गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप लोग हैं? वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग देखते हैं, हम लोग कटक घूम लेते हैं। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग का टाइम आता है भुवनेश्वर निकलने का। तो हम लोग कटक से ट्रेन लेते हैं और ट्रेन बहुत ही खाली होते हैं, इसलिए हम लोग आराम से पहुँच जाते हैं। निशान पूरा फ्रेम का नहीं है, अच्छे देख। यहाँ सब फास्ट फॉरवर्ड हो गए, यह तो टाइम नहीं है, सब फास्ट फॉरवर्ड करो। हम लोग अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करने के बाद होटल में रेस्ट लेते हैं, लंच करते हैं। फिर हमारा प्लान बनता है धौली और लिंगोराज घूमने का। तो उसके लिए हम लोग को ऑटो का जरूरत था, तो पहले से कोई गाड़ी बुक नहीं थी। तो हम सर और मैं दोस्त से त्रिशान हम लोग भुवनेश्वर स्टेशन जाते हैं ऑटो खोजने के लिए। तो तीन ऑटो हम लोग को चाहिए था, क्योंकि हमारे मेंबर्स भी वैसे थे 12 जन। मेरे भैया भी आ जाते हैं, सोमो ब्रोज आ जाते हैं, उनका एग्ज़ाम था पीजी का, तो वही एग्ज़ाम के लिए उनका सेंटर वहाँ पड़ा था, तो वहीं पे थे। तो उनके वो बोर हो रहे थे, तो हमारे साथ प्लान बना कि हम लोग साथ में जाएंगे, घूम के आएंगे। तो हम लोग जब ऑटो वाले के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं 1800। ऐसे ही हम लोग स्टूडेंट हैं और हमारे मतलब बजट भी बहुत ही, हम लोग सोचे नहीं थे कि हमारा बजट में मतलब इस तरह चेंज आएगा कि 1800 देना पड़ेगा। तो फिर हम और त्रिशान जाते हैं अलग से और बहुत बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, कम कर दीजिए। तो वो लोग कम करके 1600-1650 करता है। तो 1650 होने के बाद हम लोग बोले ठीक है, हम लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग ले जाते हैं उनको अपने होटल में, दोस्त लोग आते हैं, टोटो में बैठते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं धौली के लिए। वेलकम टू माय व्लॉग, इट्स थर्ड डे। हम लोग भुवनेश्वर आए हैं, धौली घूमेंगे। यहाँ पे शांति स्तूप पर धौली है। हम ये नहीं काटने वाले, सब पूरा देखने देंगे। विली व्लॉग्स इज अंडर वे। वी आर गेटिंग टू सी धौली। हां, शुड द व्यू पार्ट टू लाइक कमेंट लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। हां, मतलब हर समय एक ही चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कमेंट की कर रहे हैं। अरे देखिएगा ना तो लाइक्स इधर थोड़ा काट दो, इधर कुछ नहीं है। फोटो ड्यूटी में ওই যে নদীটা ওই পাশে।
শিফটও করে গেছে বোধ হয় স্যার, তাই না? হতে পারে, আর একটু জল ছিল আগের বছর। लिंगोराज के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी हम लोग लिंगोराज पहुंच जाते हैं, शाम भी हो जाती है। तो लिंगोराज एक हिंदू टेम्पल है जहाँ पे शिव जी का पूजा किया जाता है। पहले इसे कृतिवसा एज वर्शिप किया जाता था, लेकिन अभी इसे हरिहरा एज वर्शिप किया जाता है। हरिहरा मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ शिव जी और विष्णु जी। ये ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर में। जो आर्किटेक्चर है टेम्पल का वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। तो जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज़ किया गया है उसे कहा जाता है कलिंगा स्टाइल। सो जो मंदिर है वो चार कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है विमाना मतलब जो कंटेन करता है सैंक्टम, फिर है नटा मंदिरा मतलब फेस्टिवल हॉल, भोगा मंडपा, भोगा मंडपा मतलब समझ में आ रहा है भोग, तो यहाँ जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, और चौथा है जगह मुहाना मतलब असेंबली हॉल जहाँ पे सब आके इकट्ठा होते हैं। तो ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन भुवनेश्वर में। तो ये है लिंगोराज, हम यहाँ पे आए थे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये ढौली से कुछ देर में पहुँच गए थे, 30 मिनट्स लगा था, हम लोग ऑटो से आए पहुँच गए। यहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, पर्स अलाउड नहीं है, इसलिए कुछ ले जा नहीं सकते, इसलिए हम अंदर का कोई इंटीरियर का वीडियोग्राफी भी नहीं कर पाए। अच्छा जगह, अच्छा आर्किटेक्चर है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ज़रूर जाइए। एंड बाय, गुड नाइट। सो इसी के साथ मेरा ओडिशा का ट्रिप ख़त्म होता है। तो लास्ट में हम अपने दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने मुझे बोर नहीं होने दिया वहाँ जाके, और थैंक यू सर आपने हमें इस ट्रिप पे नहीं गए दें, अभी तो जाने हमें क्यों जीते रहे ना था जो आपने नहीं गए दें, थैंक यू तार जोने एरक ही नहीं जाबें घोड़ाते। और ये ट्रिप जो था मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मतलब फ्रेंड्स के साथ सर के साथ ऐसे ही हम कहीं घूमने नहीं जाते, और मतलब जब जाने को मिलता है चांस तब बहुत अच्छा लगता है, एक न्यू जगह देखने को एक्सप्लोर करते हम लोग, जैसे कि रूइंस एक्सप्लोर किया इतना सारा, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से मतलब वो लेट नाइट जाग के हम लोग का अंताक्षरी खेलना होटल में, फिर हम लोग जो फ़ोटोज़ देख रहे थे, जो फ़ोटोज़ क्लिक किए थे वो फ़ोटोज़ देख रहे थे टीवी में कनेक्ट करके, और सबका मजाक उड़ाना। और उसके बाद हमारा था रुंटू रॉय का गाना गाना, फिर गोरंगा गोरंगा, फिर एक था गोरंगा, हम नहीं पता बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो है कैन यू से गोरंगा, यस वो वाला था, वो हम लोग सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कैन यू से गोरंगा। तो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मज़ा आया कि दोस्तों के साथ गए, सर के साथ गए, ऐसे ही और ट्रिप हमारा बने, वही मेरा विश है। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। गुड नाइट।